माय डियर फ्रेंड्स, मैं शिवम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। सो वी आर कंटिन्यूइंग अवर लेक्चर सीरीज ऑफ द चैप्टर ऑफ 9th क्लास। चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर एंड दिस इज लेक्चर 5 ऑफ अवर लेक्चर सीरीज इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखिए, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। अब तक हमने मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया और जिस तरीके से क्लासिफाई हुए उसमें एक एक टर्म हमने डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मेटल नॉन मेटल में डिफरेंशिएट किया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंशिएट किया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटीज़, उसके बाद सॉल्यूशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलॉइड्स में। उसके बाद हमने कंसंट्रेशन पढ़ा था कि कंसंट्रेशन क्या होती है, कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे उसके बेसिस पर, और एक न्यूमेरिकल भी करा था जो हमने इंटेक्स क्वेश्चन था वो न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिया था। अब देखिए, इस लेक्चर में हमने क्या करना है, इस लेक्चर में हमने करना है कि जो हमारे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करेंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर मोर देन 50% और 60% भी कह सकते हैं, 60% आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद 3-4 लेक्चर और आएंगे जिसमें कि आपके सिर्फ सेपरेशन टेक्निक्स होंगी और ये चैप्टर बिल्कुल फिर फिनिश हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। मतलब वो चेंजेस जिनमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है उनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। नया सब्सटेंस ना बनने से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, मतलब वो डिफरेंट प्रॉपर्टी गेन कर ले पहले वाले अपने कॉन्स्टेंट सब्सटेंस से, दैट इज़ नोन टू बी न्यू सब्सटेंस। तो आपका न्यू सब्सटेंस कोई नहीं बनेगा यहाँ पर, और जो उसकी आइडेंटिटी होगी, जो उसकी आइडेंटिटी होगी वो सेम रहेगी, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट बात क्या है फिजिकल चेंजेस में, फिजिकल चेंजेस हमारे रिवर्सिबल होते हैं और टेम्परेरी चेंज होते हैं। मतलब ये अगर एक बार चेंज हो गए तो वापस से उसी ओरिजिनल पोजीशन में हमारे जा सकते हैं, तो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। और जो उस वापस पोजीशन में ना जा सके उनको क्या बोलते हैं हम, इररिवर्सिबल। जो वापस ओरिजिनल पोजीशन में जा सकते हैं चेंज होने के बाद वो होते हैं हमारे रिवर्सिबल नेचर के। और टेम्परेरी क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये रिवर्सिबल होते हैं, परमानेंट चेंजेस नहीं होते। परमानेंट तो एक बार अगर चेंज हो गया तो हो गया, अगर तीर कमान से छूट गया तो छूट गया, फिर वापस नहीं आ सकता वो। तो एक बार हो गया तो हो गया, वो हमारा होता है परमानेंट चेंजेस। लेकिन फिजिकल चेंजेस होते हैं हमारे टेम्परेरी चेंजेस। जैसे कि अभी आपको ये जो मैंने बातें बताई शायद ना आई हो समझ में, एग्जांपल इसको करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। जैसे हमारा फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को हम फ्रीज कर देते हैं, आइस बन जाता है, तो क्या वो आइस जो है हमारा वापस से हमारा वाटर बन सकता है, बन सकता है। उसको हम हीट प्रोवाइड करा देंगे तो वापस से वाटर बन जाएगा हमारा। तो देखिए, हमारा आइस में तो चेंज हुआ वो, लेकिन वापस से क्या बन गया हमारा, वाटर बन गया, ओरिजिनल पोजीशन उसने गेन कर ली। तो रिवर्सेबल हो गया नहीं हो गया, मतलब चेंज हुआ फिर से ओरिजिनल पोजीशन गेन कर ली, तो रिवर्सेबल नेचर का हो गया, टेम्परेरी है और उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, वापस से वाटर बन गया। तो इसलिए हमारा कौन सा चेंज कहलाएगा, ये फिजिकल चेंज, या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस भी कह सकते हैं हम। आइस बना, आइस से वाटर हमने मेल्ट करा दिया, तो वो भी हमारा फिजिकल चेंज है। बात आई समझ में, ऐसे ही हो सकता है हमारा ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब तक वो नहीं जल रहा, बिल्कुल नहीं जल रहा, लेकिन जैसे ही उसमें करंट प्रोवाइड कराएंगे वो जल जाएगा, करंट उसमें से हटा देंगे वो बुझ जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। बात आई समझ में, जिस चेंज को हम ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ला सकते हैं वो होते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस। अब मान लीजिए ये बोर्ड मेरा बिल्कुल क्लीन है, कुछ नहीं लिखा हुआ इस पे, ओरिजिनल पोजीशन ये है कि इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, मैंने इतना सारा लिख दिया तो कुछ चेंज आया, उसके बाद इसको रफ कर दिया मैंने, तो वापस से फिर ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच गया, तो कौन सा चेंज करा मैंने यहाँ पे, फिजिकल चेंज। तो ये आपको फिजिकल चेंज का बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा जब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस होते हैं जिनमें कि हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एंड पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस लूज देयर आइडेंटिटी इन द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में वो अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है, अपनी जो पहचान है वो खो देता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इररिवर्सिबल होता है और परमानेंट चेंज होता है, मतलब अगर एक बार चेंज हो गया
तो हो गया, इरिवर्सिबल है, फिर वो वापस नहीं आ सकता। अगर मैंने जो वर्ड्स बोल दिए तो वो बोल दिए, वो फिर मैं अपने वर्ड्स वापस नहीं ले सकता। तो ये कौन सा चेंज है हमारा? केमिकल चेंज। अगर एक बार चेंज हो गया तो हो गया, फिर वो वापस चेंज ओरिजिनल पोजिशन गेन नहीं कर सकता, डेट इज़ नोन टू बी केमिकल चेंज। और ये कैसे चेंज होते हैं? परमानेंट चेंज होते हैं, मतलब एक बार चेंज हो गए तो परमानेंटली चेंज हो गए, इसमें टेम्प्रेरी का कोई मतलब नहीं है। परमानेंट चेंज हो गए तो हो गए, जैसे कि आपका बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो आप बाइक में कार में फ्यूल डालते हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल, अगर आपने उसको काम में ले लिया, मतलब अपनी कार रन करा ली, बाइक रन करा ली, तो क्या वो डीजल आपका खर्च हो गया? तो वापस से डीजल पेट्रोल वापस ला सकते हैं अगर जो खर्च हुआ हुआ है? नहीं ला सकते। तो वो कौन सा चेंज है आपका? केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल आपका कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज। या फिर आपकी इंटेंस स्टिक होती है, जिसको अगरबत्ती बोलते हैं, इंटेंस स्टिक, ठीक है, अगर वो एक बार बर्न हो गई तो क्या आपको, आप वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो वो भी क्या है हमारा? केमिकल चेंज। उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद क्या है, क्या करेंगे हम? देखिए, उसके बाद हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया यहाँ पर कटिंग ऑफ ट्रीज़। ये जो एग्जांपल है आपका, ये एग्जांपल है, या फिर अगर और एग्जांपल मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो जैसा आपका डाइजेशन ऑफ फूड, अगर एक बार आपका फूड डाइजेस्ट हो गया तो वापस से फूड थोड़ी बन जाएगा वो, ठीक है, डाइजेस्ट हो गया तो हो गया। तो वो भी कौन सा चेंजेस है हमारा? केमिकल चेंजेस। या फिर आपने क्या किया, आटा लिया, आटे से क्या बना दी? रोटी बना दी, सेक कर, बेक कर दी रोटी। उसके बाद क्या रोटी से वापस आटा बन सकता है? नहीं बन सकता। तो वो भी हमारा कौन सा चेंजेस हुआ? केमिकल चेंजेस। तो ये आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इंटेक्स का, जो कि फिजिकल और केमिकल चेंज पर बेस है हमारा। इंटेक्स का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस इसमें बताना है कि किसमें हमारा फिजिकल चेंज हो रहा है, किसमें हमारा केमिकल चेंज हो रहा है। तो पहला है मेरा कटिंग ऑफ ट्रीज, अगर मैं ट्रीज को कट कर रहा हूँ तो बताइए कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो ये है बेटा मेरा केमिकल चेंज। कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि जो हमारे ट्रीज अगर जब तक कट नहीं हुए थे तब तक हमें क्या प्रोवाइड करा रहे थे? वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें, उसकी लीव सूख रही थी, फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर पेड़ को एक बार मैंने कट कर दिया, ट्री को एक बार मैंने कट कर दिया, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, ये टेम्परेरी चेंज हो जाएगा, परमानेंट चेंज हो जाएगा, जिसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे, क्योंकि हम वापस से वो चीज़ें नहीं करा सकते। अगर एक बार मैंने ट्री को कट कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, वो एक इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे कटिंग ऑफ ट्रीज को हम? केमिकल चेंज। फिर है मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, अगर किसी पैन में हम बटर को मेल्ट करा रहे हैं तो उसको वापस से उसी पोजिशन में ले आ सकते हैं? हाँ ले आ सकते हैं भाई, उसको फ्रिज में रख दो तो वो वापस से सॉलिड फॉर्म में पहुंच जाएगा। बात आई समझ में? तो क्या हो गया हमारा? फिजिकल चेंज। उसके बाद बात आती है मेरी रस्टिंग ऑफ अलमीरा। रस्टिंग क्या होता है बेटा? जंग लगना। रस्टिंग मतलब जंग लगना, जैसे लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ अलमीरा। किसी अलमीरा में अगर जंग लग जाए तो जंग लगना आयरन रस्टिंग जो होता है, जो आप 10th class में पढ़ेंगे, रस्टिंग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, रस्टिंग एक केमिकल चेंज होता है, इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। आप ऐसा डेली लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हैं समझने के लिए, कि अगर एक बार आयरन में, लोहे में जंग लग जाता है, क्या वो वापस से लोहा बन सकता है? नहीं बन सकता। जिस लोहे के जिस पार्ट में जंग लग गया हमारा, वो पार्ट बिल्कुल खराब हो जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन अलमीरा जो है हमारा, ये क्या है? केमिकल चेंज। क्या है हमारा? केमिकल चेंज। अब देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, कोई वाटर लिया हमने वेसल में और उसको बॉइल कर रहे हैं, बॉइल करने के बाद उसकी स्टीम बन गई, भाप बन गई, तो क्या हम उस भाप को वापस से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारा फिजिकल चेंज है, और नहीं कन्वर्ट कर पाए तो हमारा केमिकल चेंज है। तो बताइए कि कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको? तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, जो हमारी भाप बन रही है, स्टीम बन रही है, वेपर बन रही है, उन वेपर को कूलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा दो। कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे तो वो वेपर क्या हो जाएंगी? कूल एनवायरनमेंट से वापस से लिक्विड में चेंज हो जाएंगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो अगर हम बॉइलिंग ऑफ वाटर के, जो हमारी स्टीम बन रही है, स्टीम से वापस वाटर हम बना सकते हैं, तो इस चेंज को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज।
उसके बाद पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कह रहा है कि अगर हमारा जो वाटर है, वाटर क्या होता है मेरा H2O, ये मैंने आपको बताया एक कंपाउंड होता है H2O वाटर। अगर मैं वाटर में करंट पास कराऊं, बहुत तेज़ी से उसमें करंट पास कराऊं और वो वाटर हमारा ब्रेक हो जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, किस में ब्रेक हो रहा है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इस तरीके से ब्रेक होता है हमारा H2+ ½O2। ये रिएक्शन आप आगे 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा वाटर ब्रेक होता है H2+ ½O2 में ब्रेक हो जाता है वाटर हमारा। मींस कि अगर मैं इसमें करंट पास करा रहा हूँ और वाटर ब्रेक हो रहा है मेरा, हाइड्रोजन गैस बन रही है और ऑक्सीजन गैस बन रही है। गैसेस तो होती हैं, ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, गैस होती है, नहीं होती है। तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रही है, तो ये हमारा कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? तो बेटा इसमें आपको मैं बता दूं कि ये रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन जहाँ पे हो रही है, केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हो रही है, वो कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से रिलेट कीजिए। मैंने आपको कंपाउंड जब पढ़ाए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ाया था, उसमें कंपाउंड पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? और कंपाउंड मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि कंपाउंड को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। किससे सेपरेट नहीं कर सकते? फिजिकल मेथड से। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड है, कंपाउंड तो सेपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब केमिकल मेथड अप्लाई हुआ होगा। जब फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते इसको, तो केमिकल मेथड अप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। तो केमिकल रिएक्शन हुई है, इसका मतलब कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज। तो इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। तो ये क्या आएगा इसमें, कौन सा चेंज हुआ, ये केमिकल चेंज। आई इतनी बात समझ में? उसके बाद देखिए, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट, उसको अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो हमारा फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो बेटा वो हमारा है फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि वाटर को हम एवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू वेपराइज कर सकते हैं और हमारा सॉल्ट ऐसे ही वापस आ सकता है। और जो वेपराइज वाटर है, स्टीम बन गया वाटर, जो हमारा वेपराइज है, उस वेपर को कंडेंस करके वापस से वाटर बना सकते हैं। तो हमारा ये ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है। तो कौन सा चेंज हो गया, ये हमारा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। उसके बाद हमारा मेकिंग ऑफ फ्रूट सैलेड्स विद रो फ्रूट्स, जो रो फ्रूट्स होते हैं हमारे, फल जो होते हैं, उनसे हम सैलेड बना रहे हैं, तो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? तो भाई हम सैलेड ही तो बना रहे हैं, जो हमारे फल पहले थे वो हमारे फल अब रहेंगे, जो टेस्ट उनका चेंज थोड़ी हो जाएगा, प्रॉपर्टीज उनकी चेंज थोड़ी हो जाएंगी, या विटामिन कम हो जाएंगे उसमें से, तो जो हमारे ओरिजिनल थे वही हमारे ये रहेंगे। तो कौन सा चेंज हो गया हमारा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी, तो ये भी हमारा कौन सा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज। उसके बाद बात आती है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। अगर आप पेपर जला देते हैं, वुड को जला देते हैं, तो क्या वापस से पेपर ला सकते हैं? एक बार अगर पेपर जल गया तो जल गया, वापस से उसको पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही वुड को, लकड़ी को अगर हम जला देंगे, उसको बर्न कर देंगे, तो वापस से वुड में वो कन्वर्ट नहीं हो सकती। फिर एक बार जल गई तो जल गई, मतलब परमानेंट चेंज है ये, दूसरा नया सब्सटेंस बनना है। तो कौन सा चेंज हो गया, ये केमिकल चेंज। तो देखिए, इस बेसिस पे ये जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट लिखे हैं, आइडेंटिटी रिमेन सेम, रिवर्सेबल, टेम्प्रेरी चेंज या फिर नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ये 3-4 पॉइंट आपको याद करने हैं। इस बेसिस पे ये मैंने पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है। कितना आसान था ये क्वेश्चन सॉल्व करना, सिर्फ आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। दोनों के 4-4 पॉइंट अगर आपको याद हैं, किसी भी तरीके का एग्जाम्पल हो, आप डेली लाइफ से उसको रिलेट करें और उसको बिल्कुल आंसर करेक्ट लगा के आएंगे आप। क्या क्या पॉइंट है हमारे, फिजिकल चेंजेस में कोई हमारा नया सब्सटेंस नहीं बनता है, आइडेंटिटी उसकी सेम रहती है, ओरिजिनल में उसको चेंज कर सकते हैं, ये रिवर्सेबल नेचर के होते हैं और ये टेम्प्रेरी चेंज होते हैं। इसी तरीके से एक याद कर लो, केमिकल चेंज बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। सिर्फ एक याद कर लो और 2-3 एग्जाम्पल याद कर लो, फिर किसी भी तरीके का आपका एग्जाम्पल सामने आ जाए, आप बिल्कुल उसको बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे और करेक्ट सॉल्व करेंगे, फुल मार्क्स गेन करेंगे। और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी टीचर 1 मार्क्स में दे देता है, कभी टीचर 2 मार्क्स में दे देता है, लेकिन दे जरूर देता है, क्योंकि बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तभी वो इस तरीके का क्वेश्चन कर पाता है, वरना वो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो आज आपका ये फिजिकल और केमिकल चेंज इस लेक्चर में ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे उसमें हम करेंगे सेपरेशन टेक्निक, मतलब मिक्सचर को किस किस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, कुछ सेपरेशन टेक्निक आपकी बची हुई हैं, उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।